नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर फ्रांस वर्सेस यूक्रेन। इंटरनेशनल फ्रेंडली है ये दोस्तों, और ये आज रात में 12:40 से है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों टीम यूनाइटेड नेशंस लीग का अपना एक एक दो दो मैच खेल चुकी हैं। फ्रांस दोनों जीती है, स्वीडन के अगेंस्ट 1-0 और क्रोएशिया के अगेंस्ट 4-2। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अपना ओपनिंग गेम स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जीत चुके थे 2-1 से, बट स्पेन ने इनको 4-0 से धर दिया था। इस पर्टिकुलर गेम में भी अगर आप दोस्तों पूछें तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्रांस ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन है और टॉप फेवरेट्स हैं इस पर्टिकुलर गेम के, और ये 3-1 काइंड ऑफ अ गेम होगी इन फेवर ऑफ फ्रांस। बहुत आउटसाइड चांस है कि इस पर्टिकुलर गेम में फ्रांस थोड़ी सी शायद क्लीन शीट भी रख सकती है, तो आपकी रिस्की टीम के लिए आप शायद 3-0 काइंड ऑफ स्कोरलाइन के लिए जा सकते हैं। की स्टार्ट की बात करें तो फ्रांस अनबीटन है लास्ट 9 होम मैचेस में अक्रॉस कॉम्पिटिशन, तो एक ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी यूक्रेन के अगेंस्ट काफी अच्छा है, 9 में से 5 बार जीते हैं और 3 गेम्स ड्रॉ भी करी है। और यूक्रेन का अगर फॉर्म देखें तो हम इस पर्टिकुलर गेम में एक पिछले 6 गेम में से 4 बार भले जीते हैं, 1 लॉस करी है और 1 ड्रॉ करी है, बट एक बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रांस बहुत बड़ी अपोनेंट है और शायद उनका इस पर्टिकुलर गेम में यूक्रेन का वो जो अच्छा फॉर्म है इतना चिंताजनक ना हो फ्रांस के लिए। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सपर्ट 11 की बात करें तो फ्रांस की तरफ से कोमान, जीरू और मार्शियल ये तीनों ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल मिडफील्ड में कांटे होंगे, अवार और पोगबा उनको सपोर्ट करेंगे। डिफेंस में डुबॉय, किम्पेम्बे, लेंगलेट और डीनिए एवर्टन वाले हैं, काफी अटैकिंग है, इनको अपनी टीम में रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से ऊपर की तरफ यारमचुक और शैनकोव ये दोनों स्टार्ट करेंगे। फेमिलियर प्लेयर्स की अगर बात करें प्रीमियर लीग के पर्सपेक्टिव से तो यारमोलेंको हैं जो वेस्ट हैम के लिए खेलते थे, जिनचेंको हैं जो सिटी के प्लेयर हुआ करते थे, तो ये मोटा मोटा दोनों टीम्स की लाइनअप हो जाएगी। की प्लेयर्स की बात करें तो फ्रांस की तरफ से उपामेचानो ने गोल मार चुका है, जीरू, एम्बापे, ग्रीजमन ने भी मार चुके हैं और मार्शियल ने 1 गोल 1 असिस्ट भी दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर गेम के पर्सपेक्टिव से मार्शियल खेलेंगे, जीरू खेलेंगे और खेलेंगे इनके साथ किंग्सली कोमान जो बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैं। तीनों क्रिटिकल हैं, तीनों काफी अटैकिंग हैं और गोल्स में जरूर इन्वॉल्व होंगे। यूक्रेन की तरफ से जिनचेंको, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 गोल इस सीजन ऑलरेडी मार चुके हैं, यारमोलेंको ने भी 1 गोल मारा हुआ है और लास्ट ईयर भी जिनचेंको ने 1 गोल मारा हुआ था जो 2 गेम्स खेले थे। तो हमारी तरफ से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इस पर्टिकुलर फिक्चर में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं टू गेट जिनचेंको इन योर टीम्स इफ यू कैन। उसके अलावा यारमोलेंको एक काफी अटैकिंग प्लेयर होंगे, अगर यूक्रेन की तरफ से गोल होता है तो उसमें वो जरूर इन्वॉल्व होंगे। सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो कोमान, जीरू, मार्शियल इन तीनों को हमने पिक किया हुआ है अपफ्रंट। तीनों अपने आप में कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी वर्दी हैं, क्रिटिकल प्लेयर्स हैं, इनको ड्रॉप नहीं करना है दोस्तों, मस्ट हैव पिक्स हैं आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। मिडफील्ड में अवेर को हमने पिक किया हुआ है, यारमोलेंको, खारातीन और शापारेंको इन 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है, जिसमें से यारमोलेंको हमारी तरफ से एक कैप्टन वाइस कैप्टन पिक होंगे स्पेशली फ्रॉम अ ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव, तो उस तरफ से आप सोच सकते हो इनको अपनी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देने के लिए। फाइनली हम क्या मिडफील्ड और क्या फॉरवर्ड लाइन के जाते हैं ये काफी डिपेंड करेगा कि फाइनल 11 क्या उतारती हैं दोनों टीम्स, तो इसीलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखते रहना होगा। डेडलाइन से 20 मिनट्स पहले हम हमारी टीम्स दे देंगे आपको हमारी फ्री चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज उसको रेफर करना मत भूलिएगा और उसको फट से आप ज्वाइन कर लेना। डिफेंस की बात करें तो पैटोव हमारे कीपर हैं, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि फ्रांस मल्टीपल शॉट्स ऑन टारगेट लेगी तो सेव्स के पॉइंट्स आ सकते हैं। और डिफेंस में किम्पेम्बे, डीनिए और डुबॉय इन 3 प्लेयर्स को लिया हुआ है। वैसे देखो अगर दोस्तों फ्रांस की क्लीन शीट आ भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास 3 डिफेंडर तो होंगे। हम वो सिनेरियो में नहीं गए जहां हम 2+2 में गए कि 2 हमने यूक्रेन के लिए हैं, 2 फ्रांस के लिए हैं, नहीं, हमने फ्रांस के 3 डिफेंडर्स लिए हैं क्योंकि एक आउटसाइड चांस हो अगर क्लीन शीट का तो हम वहां पे कवर हो जाएंगे। अगर आपको फुल क्लीन शीट के लिए जाना है तो अवेयर को मिडफील्ड से ड्रॉप करके आप एक और डिफेंडर फ्रांस का ले सकते हैं। फाइनल टीम क्या होगी ये डिपेंड करेगा स्टार्टिंग 11 पर, जैसे मैं कह रहा था, तो प्लीज हमारी फ्री चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल की गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।